अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्या है, एक और पबजी का बेहतरीन सा गेम प्ले। भाई लॉकडाउन है, क्वारंटीन में बैठे हैं, कोरोना आया हुआ है, मैंने गाली दी है बता रहा हूँ, ठीक है, कोरोना आया हुआ है, फिर पबजी बैन हो गया है। तो फिलहाल तो बस यही है जो पुराने गेम प्ले सर उन पे काम चला, और शुक्र है कि मेरे पास हैं अभी भी कुछ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं भाई मेरे पास, अल्लाह का तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे पास गेम प्ले, डोंट यू वरी अबाउट इट। हम जा रहे थे जॉर्ज मिलिट्री बेस। भाई सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ 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 ये 6 मिनट 37 सेकेंड और 03 सेकेंड के भी सेकेंड आए की वीडियो है, इसको प्लीज़ पूरा देखना, स्क्रीन हटा लो, 6 मिनट अपनी ज़िंदगी की, अपनी कीमती ज़िंदगी में से 6 सेकेंड अपने फालतू निकाल दो मेरे लिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम जा रहे थे जहाँ हम अक्सर जाते हैं मिलिट्री बेस, वो अपना जो डिपार्टमेंट होता है, यार नाम बोलने लग गया हूँ मैं, बताऊँ कोई बात है, सी बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग को हम क्या कहते थे, ऑफिस, हाँ ऑफिस को कहते थे, फैक्ट्री वो थी। ठीक है, पबजी खेलने को मिल रहा है यार, कोई ज़िंदगी है ये, फिर भी अल्लाह का शुक्र भाई बहुत सही ज़िंदगी है। पहले मैं वहाँ जा रहा था लेकिन बंदा वहाँ जा रहा था, तो मैंने बोला चलो मैं यहाँ चले जाता हूँ, यहाँ मैं आ चुका हूँ, बंदा सामने से है, थोड़ा सा उसको डैमेज दिया हुआ है, और वो गंदा सा मुँह लेके आएगा 50 रुपये वाला सूट पहन के दांत तेरे मुँह पे। और भाई पहले बता रहा हूँ, मैं सीज़न 14 के लिए आपको रॉयल पास ख़रीदना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सही आउटफिट्स हैं, गन की स्किन है, पहली आरपी में M4 की स्किन है, बहुत कमाल की स्किन है, और डार्सर की भी शायद स्किन है, हेलमेट बहुत सारे, ड्रेसेस बहुत सारे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी पर ले लेना, ठीक है। बंदा पहले यहाँ आ रहा था, उसने पता नहीं मुझे देखा या नहीं, वो वहाँ चले गया और सामने आके बैठ गया। आमतौर पे मैं नेट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, वो भी नेट की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने मौली करी जो कि एक अकलमंदी का फैसला आगे जाके जाहिर होगा। मुझे साउंड आया नेट का, मैं साइड पर हो गया, बम फटा और फिर वो खुद बंदा फट गया, लेकिन बंदा बहुत सही खेलने वाला था, इतनी जल्दी भी मेरी इतनी सारी ले गया, सऊदी अरब का बंदा है भाई, पिंग इनकी तो आला होती है, इस पर लूडी बहुत प्यारी थी। 3 किल्स मेरे हो चुके हैं, तो मेरे यहाँ बाद में इस पहले इस बंदे को मारते हैं भाई, वाकई खेलने वाला था ये बंदा, पाकिस्तानों के, लेकिन पाकिस्तानी हो के भी इतना अच्छा खेल रहा था, बॉट आया, सीरियसली बता रहा हूँ ये चीज़ें हैं फालतू, इनसे ज़िंदगी में मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है मुझे इन किल्स से, एक और किल होगा अभी, इसके बाद जो होगा ना मुझे सिर्फ फर्क पड़ेगा उनसे। तो सीज़न 14 का कोशिश करना, रॉयल पास आप ले लो, दोस्त वोस्त उधार करो कहीं ना कहीं, ठीक है। पूरा वाइप खाली करके मैं जा रहा था बाइक पे, शॉर्ट्स आए, घबरा गया, अंदर ले गया, और शुक्र है गाड़ी यहाँ, बाइक अगर यहाँ ठुक जाती ना तो मैं मर ही जाता, लेकिन अंदर गया सुकून से जाके लेटा, और अब मैंने खेल ली हील, जोन भी मेरे पे नहीं है, बंदे पे भी जोन नहीं है, बंदे को स्पॉट करो बंदा कहाँ, बंदा कहाँ मिल ही नहीं रहा, लेकिन भाई बंदा खेलने वाला ऐसा था, और फेविक कॉल लगा के बैठ गया था कि इसको मार के जाना, और मैंने भी सोच लिया था कि तुझसे नहीं मरना, कुछ ही हो जाए पर तेरे से नहीं मरना, मैं आगे जा रहा हूँ ताकि मैं मतलब भाई बंदा कहाँ है, थोड़े मारे मर जाए कुछ, ये चीज़ हो, लोकेशन लेने की कोशिश, कोई स्पॉट ही नहीं करवा रहा भाई बिल्कुल भी, हाइट पे है वो, उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है शायद, उसके पास कोई मिनी 14 DMR कहते हैं ना, DMR है गन, जब भी वो इतने गंदे शॉट्स दे रहा है मुझे, मेरे 3rd लेवल की हेलमेट और 3rd लेवल की वेस्ट है, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना तब देखना क्या हालत होगी उनकी, वो मुझे शॉट दे रहा है तो मैं साइड पे हूँ, मैं उसको दे रहा हूँ तो वो साइड पे, मतलब कोई चीज़ डन नहीं हो रही, समझ रहे हो बात को, और 3x फ़ायदा ही नहीं है कोई, अभी तो बहुत है, अभी तो देखो आगे होता क्या है, मतलब ना मुझे सिर्फ मेरे नसीब ने यहाँ बचाया, वरना कोई भी होता ना तो वो जोन से ही मरता। मैं बता दूँ आइस पूरा है ना शेनॉक मिलिट्री बेस का जितना पूरा आइलैंड है, इस पूरे आइलैंड पे जोन नहीं था, मैं जब यहाँ से चलना शुरू हूँ जोन की तरफ, और मैं जाते जाते मैं जोन से नहीं मरा, मतलब पूरे आइलैंड से जोन ख़त्म हो गया, मैं फिर यहाँ से निकलूँगा, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं जोन में नहीं मरूँगा, मुझे बंदे से फाइट होके ही मरूँगा, ठीक है। तो नसीब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, अभी देखना क्या होगा, 4x लगा लिया, बंदा नहीं मिल रहा भाई, चलो निकलो यहाँ से, कितनी कम HP छोड़ी, और यहाँ तो मैं बोला मैं तो गया, कोई चांस ही नहीं यहाँ पे, पर फिर भी बच गया, वो शॉट्स दे रहा है अभी भी उसको, मैं पता नहीं कहीं ना कहीं से नज़र आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहरहाल बच गया मैं, हीलिंग्स भी कम है और गाड़ी भी कुछ खास अच्छी अच्छी नहीं है, अब पता नहीं वो बंदा भागा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ से चुपचाप बहुत तेज़ स्पीड में निकल गया, ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि टाइम बच जाए, उसमें मज़ा भी आया।
एचपी देखते रहो मेरी, मैं कितना हूँ, सिर्फ एक हेल्थ किट है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आगे जाके थोड़ी सी मैंने हील की, ड्रिंक्स एक बची है मेरे पास सिर्फ पेन किलर। खुश नसीबी एक बंदा मरा हुआ दिख गया, मतलब ये जा रहा होगा, किसी ने उसको मार दिया होगा, वो भी ब्रिज ऊपर से चला गया होगा, उसने नोट नहीं किया। हीलिंग्स नहीं मेरे पास अब, और ये देखो नसीब। लाइक कर दो इस बात पे, इस बात पे लाइक कर दो, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। और गाड़ी भी वहीं पे, वो भी बहुत डैमेज है, बहुत डैमेज, मतलब एक दो गोली लगेगी फट जाएगी, लेकिन अभी काम चल रहा है मेरा। आगे गया हूँ तो एक और बंदा मिल गया जिसको सही तरह के लूटर थर्ड लेवल के, और MK14 भी भाई, मतलब नसीब अल्ट्रा HD लेवल पे था मेरा। एक जोन से बाहर जाके इतने टाइम बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं जोन से बच गया। ये भी तो बड़ी रिलैक्स होके तुम लोग बोल रहे हो, हाँ भाई ऐसा हुआ होगा तेरे पास, तू प्रूफ भी दे रहा। लेकिन भाई जब फट गया था मैं, जब समझ में आ रहा था कि करना क्या है, समझ रहे हो, जोन और आगे चल गया, जोन में जा रहे हैं, फ्लेयर है मेरे पास, बदकिस्मती में चला नहीं सकता वो, क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब मैं सामने जाऊंगा तो एक बंदा पहले से ही वहां तैयार खड़ा होगा, और जनाब याला मुझे देखते ही देव नहीं, आई वेलकम सर, वेलकम। इसे समझ भी नहीं आता हम पबजी क्यों खेल रहे हैं। इतनी मनुष पिंग पे इराक वाला बंदा टक्कर के मेरे को मार के चले गया। बरहल वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि जिस तरीके से मैं निकला हूँ ना, बहुत कम होता है ऐसा, ये बस नसीब ही था जिस तरह मैं बच गया। तो बहरहाल चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, अपना ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़। और तुम खुद बताना कि तुम्हें यकीन था कि जब जोन इतने आगे चले गया था मेरे पास हीलिंग थी तो मैं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैं पहुँचाऊँ ना, तो लाइक करना और कमेंट करा करो, तुम्हारा एक कमेंट बहुत एनर्जी देता मेरे को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, मैं दरअसल कोटा कोटा करना जा रहा हूँ 7 मिनट का। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करवाओ। अल्लाह हाफिज़।